हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुनील भाई ब्लॉग में। तो आज मैं बताने वाला हूं भारत इंडस्ट्रीज़ के ओरिजिनल जनरेटर के बारे में, जो कि भारत इंडस्ट्रीज़ कंपनी की तरफ से है। इसका कितना में प्राइस मिलने वाला है, कितना लोड लेता है और कितना तेल पीता है, सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लगातार मैं वीडियो जनरेटर मार्केट और टेंट मार्केट से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटर, पहले तो अल्टरनेटर का फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी का है, जो कि पूरी तरह से कॉपर बैंडिंग में आता है जनरेटर। और जनरेटर की बात करें तो मेन जनरेटर का लोड जो होता है वो अल्टरनेटर ही लेता है। अल्टरनेटर अगर अच्छा हो तो सारा कुछ आपको सक्सेसफुल चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका रेडिएटर भी कितना अच्छे मेटल फिनिशिंग में है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है ये रेडिएटर। इसकी कूलिंग करने की क्षमता भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसका ऊपर का जो जाली है वो भी काफ़ी मजबूत है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोड डालने के बाद भी वाइब्रेट नहीं होता इंजन, मैं चलाया हूँ, बहुत अच्छा चलता है। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप भारत जनरेटर लेना चाहते हैं तो भारत इंडस्ट्रीज ही लेंगे, क्योंकि भारत के नाम से और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, भारत दीप, भारत ज्योति, अलग अलग प्रकार के, लेकिन ये भारत का ओरिजिनल जनरेटर है जो कि भारत इंडस्ट्रीज़ के नाम से आता है। इसकी प्राइस मार्केट में अभी अप डाउन होते रहता है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बढ़ गया है। वीडियो में अंत में मैं बताऊँगा इसका प्राइस क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा तरीका से होता है, देख सकते यहाँ पे सारा कुछ, रेडिएटर, फैन, फाइन बेल्ट वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये पंखे कितने अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे फिनिशिंग में इसका बॉडी भी बना हुआ है। बेल्ट की बात करें तो देखिए बेल्ट भी कितने अच्छे हैं, जो कि जॉइंट वाले नहीं है, ओरिजिनल है, जो गाड़ी में आता है वो सारा कुछ बेल्ट इसमें आपको भी मिल जाएगा देखने को। तो एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग के लिए अगर आप जनरेटर को परचेज करना चाहते हैं तो आप भारत इंडस्ट्रीज़ के इस जनरेटर की तरफ आप जा सकते हैं। तो ओरिजिनलिटी का पहचान इसका यही है कि इसका ढलाई बॉडी में देख सकते हैं भारत इंडस्ट्रीज 1972 लिखा हुआ है, जो कि 1972 ईस्वी ये आगरा का कंपनी है। आपको भारत के नाम से बहुत सारे जनरेटर मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल जनरेटर यही है भारत इंडस्ट्रीज 1972 जिसमें आपको दिया हुआ है। देखिए इंजन की बात करें तो 14 HP का इंजन है, 1500 RPM है, 8 MW का ये सब दिखाया हुआ है। आप जब भी जनरेटर ले तो ये चीज़ को, ओरिजिनलिटी को पहचान जरूर कर ले, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत प्रकार के जनरेटर मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप से जनरेटर जो आपको चाहिए कि आपको ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो आप इस चीज़ का लोगों का ध्यान जरूर रखेंगे। आप यहाँ पे बात करें अल्टरनेटर की तो अल्टरनेटर के बॉडी पर भी देखिए ढलाई बिल्कुल भारत इंडस्ट्रीज की तरफ से है, ऐसा नहीं कि पार्ट कहीं और से, बॉडी कहीं और से और अलाइनमेंट करके दिया हुआ है। तो आपके इसका प्राइस की बात करें तो प्राइस जेन्युइन अभी जो चल रहा है 2023 में इसका प्राइस है 70,000 रुपये, जो कि हमारे तरफ पलामू डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में है। आपको मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और परचेज करके खरीद भी सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पूरा जनरेटर खरीदना चाहते हैं तो डिस्प्ले में नीचे नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करें और आप बात करके जनरेटर को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद।